कार्य तथा ऊर्जा भाग 5 शक्ति। पिछले वीडियो में हमने ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में जाना। इस वीडियो में हम शक्ति यानी पावर के बारे में जानेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि सभी इंसान अपने कार्य को समान दर से करते हैं, या सभी मशीनें समान दर से ऊर्जा का उपयोग और रूपांतरण करती हैं? सभी व्यक्तियों और अलग अलग मशीनों की कार्य करने की दर अलग अलग होती है। अब हर व्यक्ति की कार्य करने की दर अलग अलग होती है। ये समझने के लिए हम एक आसान से क्रियाकलाप पर नजर डालते हैं। माना कि दो धाविकाएं ए और बी 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने का निर्णय करती हैं। दोनों की उम्र और भार समान है। ए दौड़ को 25 सेकंड में पूरा करती है और बी दौड़ को 20 सेकंड में पूरा करती है। तुम्हें क्या लगता है, ए और बी द्वारा कितना कार्य किया गया होगा? ए और बी द्वारा समान कार्य किया गया है, लेकिन समान कार्य करने में बी को ए से कम समय लगता है। तुम्हें क्या लगता है, दोनों में से किसने प्रति सेकंड ज्यादा कार्य किया होगा? एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी निश्चित कार्य को दूसरों के मुकाबले कम समय में कर सकता है। इसी प्रकार किसी निश्चित समय में एक अधिक शक्तिशाली कार कम शक्तिशाली कार की अपेक्षा अधिक दूरी तय कर सकती है। इन कारों को इनके कार्य करने की दर के अनुसार बांटा जाता है और शक्ति इनके कार्य करने की इस दर को मापती है। इस प्रकार शक्ति को कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर से परिभाषित किया जाता है। अब हम शक्ति का गणितीय सूत्र देखते हैं। माना कि किसी समय T पर वस्तु द्वारा किया गया कार्य W है, इसलिए शक्ति बराबर कार्य बटा समय, P बराबर W बटा T। शक्ति का SI मात्रक वॉट होता है, जिसे W से व्यक्त किया जाता है। स्कॉटिश वैज्ञानिक जेम्स वॉट के सम्मान में SI मात्रक को वॉट रखा गया है। जब एक सेकंड में एक जूल कार्य हो रहा हो तो इस शक्ति को एक वॉट कहा जाता है। एक वॉट बराबर एक जूल बटा एक सेकंड। एक वॉट बराबर एक जूल प्रति सेकंड। शक्ति का बड़ा मात्रक किलो वॉट होता है, इसे kW से व्यक्त किया जाता है। एक किलो वॉट बराबर 1000 वॉट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड। शक्ति समय के साथ परिवर्तित हो सकती है, अर्थात कार्य करने की दर अलग अलग समय अंतरालों में अलग अलग हो सकती है। यहां औसत शक्ति के सिद्धांत का इस्तेमाल कर सकते हैं। औसत शक्ति को हम उपयोग की गई कुल ऊर्जा को लिए गए कुल समय से भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं। याद करो, हम ऊर्जा और इसके मात्रकों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक के बारे में सीखते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा की ऊर्जा को मापने के लिए जूल पर्याप्त नहीं है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा है। एक किलोवाट घंटा वो ऊर्जा है जो 1000 जूल प्रति सेकंड की दर से एक घंटे में उपयोग की जाती है। एक किलोवाट घंटा बराबर एक किलोवाट गुना एक घंटा बराबर 1000 वाट गुना 3600 सेकंड बराबर 3600,000 जूल।
बराबर 3.6 × 10^6 जूल। ये मात्रक हमारे घरों में भी होता है। किलोवाट घंटा मात्रक के इस्तेमाल को समझने के लिए हम एक आसान सा उदाहरण लेते हैं। अपने घर के बिजली के मीटर पर नजर डालो। इसे ध्यान से देखो। कुछ दिनों तक मीटर के पाठ्यांक को सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे नोट करो। तुम्हारे परिवार द्वारा दिन के समय और रात के समय कितनी ऊर्जा की खपत की जाती है। इस वीडियो में हमने शक्ति यानी पावर के बारे में जाना।